अन्य नेताओं के भी विचार आ जाना चाहिए। इसे हम कह रहा हूँ, पहली भूत तो करिए जी जो तिब्बत दे दिया, दूसरी बात है तिब्बत चीन को दे लेते हैं, इससे ऐसी भूल की गई है जो आज भारत को चीन की हरकतों को देखते हुए फिर से तिब्बत की आजादी का फल का समर्थन करना चाहिए। अभी समर्थन नहीं करे, समर्थन करना चाहिए हमको। तिब्बत पर कब्जा कर लिया और कर रहा है, दलाई लामा परेशान यहाँ रहा वो कितना। दूसरी बात, चीन और पाकिस्तान को कश्मीर में दोनों मिलकर सरेंडर कर रहे हैं और आज कह रहे हैं साफ हो गया है कि कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चीनी सेना और चीनी हथियार भी लड़ाई में उतर आए हैं, उतर गए हैं। और कल के चीन के अखबार और चीनी चैनल ने यह दावा किया है कि तिब्बत की सीमा पर उसका घोषित युद्ध अभ्यास चल रहा है कश्मीर की और उसके वहाँ सीमा पर, और स्वीकार किया चीन ने, कहा हम कर रहे अभ्यास और इसका कड़ा विरोध होना चाहिए क्योंकि भूटान और सिक्किम की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है। सुन लीजिए, आपसे कहना चाहते हैं, आप सुनिए, आपके हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि आज जो हो रहा सिक्किम को और भूटान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी सरकार भूटान पर सिक्किम पर कब्जा कर रहा चीन, इधर आकर के कश्मीर अपने हाथ में ले लिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को लेके कश्मीर में कर रहा, पूरी तैयारी हो चुकी है। इस संबंध में अभी तक क्या हुआ हमें जवाब मिला नहीं। पहले अटल जी ने बड़ा जरूर लिया था, लंच के साथ उन्होंने सुना था कंप्लीट कंप्लीट और उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं रही। आप कार्रवाई देखिए, अध्यक्ष महोदय आपके सामने कितने बार हम बोल चुके हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान मेरा नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, अगर वो हमारा एक शहर गिरा देगा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता हमारे हिंदुस्तान का। कमजोर तक गुस्सा आ रहा है, पाकिस्तान कह भी सकता हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तान मना रहे निशाना, पाकिस्तान को अपने लेने की कोशिश करना चाहिए था। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं चॉकलेट में जो हो रहा वो तीन बातें कहना चाहते हैं, इससे ज्यादा देश के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल क्या हो सकता है। मैं पूछना चाहता पूरा हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि क्या कर रही है सरकार। बात है दलाई लामा को तिब्बत की सरकार को मुखिया माना है और उन्हें राष्ट्र प्रमुख का दर्जा दिया है, यह बात चीन को बहुत नागवार गुजरती है। लेकिन भारत को जितनी अधिक मदद दलाई लामा की करना चाहिए उतनी करना चाहिए आपको, ये आपके हित में है। रास्ता वही है चीन का, क्योंकि चीन और भारत के बीच अब कंप्लीट करें मुलायम सिंह जी, एक व्यापारिक संबंध है, सारा व्यापार यहाँ कोरोना से लेकर के पूरा सामान और चीन का बिक्रा है। सही बात सुन लीजिए, है ना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हो गया ना मुद्दा उठा दिया आपने, पूरा चीन का सामान यहाँ बेचा जा रहा है, सारा व्यापार सफल बना रहे आप। कोरोना से लेकर के कौन सी चीज है काफी बढ़िया देखने में है, सस्ती बेच रहा है वो घटिया है, हो गया हो गया, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है सारा सामान। किरीट जी इसमें क्या बात है, चर्चा नहीं करना है, मेरी अपील है आकर्षित करना चाहिए जो चीन कर रहा है मौके पर चिंता व्यक्त करिए सरकार के साथ में। ये मैं कह रहा हूँ, दो मिनट की बात रह गई, नहीं सुनना चाहिए, दो मिनट, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं ये चेहरा मैं प्रयोग कर रहा हूँ, साफ कह दिया चीन ने वहाँ पर युद्ध का और कूट और संबंधों में कूटनीति होती है, तो आपको भी करना चाहिए। तो भूटान और सिक्किम की तो मदद करनी चाहिए, अब भूटान और सिक्किम उधर गया इधर आपका ये गया, तो चीन ने पूरा तैयारी कर ली है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपने इस संबंध में क्या तैयारी की है, इतने बार मैं बोल चुका हूँ कार्रवाई निकाल के देखो, आपका तथ्य ठीक से पता है, आपने स्वीकार भी किया है कि कितने बार बोली कोई शर्त नहीं गया, जैसे मैंने कहा चीन से खतरा हिंदुस्तान को है और किसी तरह है।
हाँ मुलायम इसलिए सरकार ने क्या सोचा है, क्या विचार किया है, राय तक कभी दी नहीं है तो कब लेंगे राय? और नहीं राय मैंने उसने राजनीति के तीनों चीफ को बुलाइए और तीनों चीफ से बात की, बस हो गया। तीनों चीफ को बुला के बात किया, हो गया हो गया। आपका बात जिला के मुख्यालय सासाराम जी।